हेलो फ्रेंड्स, और आज हम आ चुके हैं हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में। यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के बारे में। इस वक्त है हम लोग हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान में, और मुठखेड़ साइड में हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तकरीबन जो तो हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में पोल्स लगा दिए गए हैं मुठखेड़ आउटर के साइड में, और बहुत सारे जो तो पोल्स यहाँ पर लगाकर सेट भी कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक प्लेटफॉर्म के अंदर जो तो एक भी पोल लगाया नहीं गया है, और ना ही तो यहाँ पर प्रोसेस नज़र आया है पोल्स लगाने का। तो आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड में, बैक साइड में बहुत सारे वहाँ पर भी पोल्स लगा दिए गए हैं और लगाकर सेट कर दिए गए। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पर भी जो तो पोल्स लगा दिए गए हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में। और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के पुरना परभनी आउटर के साइड में। यहाँ पर भी जो तो एक फाउंडेशन बना दिया गया है और बनाकर रेडी भी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है तो इस साइड में भी कहीं पर भी जो तो पोल्स लगाने का काम स्टार्ट नहीं किया गया है हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के पुरना और परभनी जंक्शन आउटर के साइड में। तो ये देख सकते हैं आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान में भी बहुत सारे फाउंडेशन बना दिए गए हैं और बनाकर रेडी भी कर दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में ये नहीं आई है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 में जो तो 100% फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पर पोल्स क्यों नहीं लगाए गए हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान में भी बहुत सारे फाउंडेशन बन गए हैं और बनकर रेडी भी हो चुके हैं, लेकिन इसमें भी अभी तक कहीं पर भी जो है तो फाउंडेशन के अंदर पोल्स वगैरह लगाए नहीं गए हैं, और ना ही तो यहाँ पर स्टॉक में पोल्स वगैरह लाए गए हैं अभी तक हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर से, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर फाउंडेशन नज़र आएगा आपको। ये देखिए बनकर जो है तो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर 4 में एक भी पोल लगाया नहीं गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान में भी यहाँ पर भी एक फाउंडेशन बना दिया गया है, बनाकर रेडी भी कर दिया गया है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वो स्टेप्स के पास में, और उसी के साथ आगे भी आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोग ये देखिए। लेकिन ये बात समझ में मेरे अभी तक नहीं आई है, फाउंडेशन का काम तो तकरीबन हो चुका है, 80 या 90% फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग ये भी देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, यहाँ पर भी मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोग ये देखिए। लेकिन ये काम अभी तक कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके अंदर क्यों फाउंडेशन के अंदर जो तो पोल्स लगाए नहीं गए हैं हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में। मैंने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में भी कहा है और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ आप लोगों से, हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होने में 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन अभी 3 या 4 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं जब मैंने कहा था। तो अभी भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फाउंडेशन तो बना कर रेडी कर दिए गए हैं, लेकिन पोल्स अभी तक नहीं लाए गए हैं हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो को ट्रोल किया था, बहुत सारे लोग जो तो बैड कमेंट कर रहे थे, इतना टाइम थोड़ी लगेगा, 6 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप लोग हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के मुठखेड़ आउटर के साइड में हम लोग अभी, और इस वक्त यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 में भी बहुत सारी जो तो यहाँ पर फाउंडेशन बना दिए गए हैं और बनाकर रेडी भी कर दिए गए हैं। लास्ट टाइम जब मैं 1 महीना पहले यहाँ पर आया था तब भी यहाँ पर जो तो ऐसे ही फाउंडेशन बना दिए गए थे और बनाकर रेडी कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक जो तो 1 महीने से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है, क्यों इसके अंदर जो तो अभी तक पोल्स लगाए नहीं गए हैं। क्योंकि मैंने मेरी वीडियो में कहा था कि मराठवाड़ा का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन, यहाँ पर 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है, 4 महीने तो हो चुके हैं। जिस वीडियो में मैंने कहा था वो मैंने 4 महीने पहले अपलोड की थी, और आप जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये नवंबर का मंथ है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 4 महीने कम्प्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है तो फाउंडेशन के अंदर पोल्स वगैरह लगाए नहीं गए हैं। ये देखिए आप लोग ब्रिज के ऊपर से पुरना और परभनी आउटर के साइड में तकरीबन जो है तो यहाँ पर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, 90% तो काम कंप्लीट हो चुका है,
लेकिन अभी तक यहाँ पर पोल्स वगैरह लगाए नहीं गए हैं। आप लोग खुद यहाँ पर आइए और विजिट करके देखिए, आप लोगों को पोल्स लगे हुए नज़र नहीं आएंगे। मुतखेड़ आउटर के पास में जो है तो इक्का दुक्का पोल्स लगे हुए हैं, तो वही पोल्स लगे हुए, उसके अलावा वहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन की इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।